इस बार दोबारा से वोट नहीं देंगे, इस बार विरोध करेंगे, डट कर विरोध करेंगे। बेशक कल से सड़कों पर आ जाओ कि भैया 2022 में ये जो कसौली विधानसभा है ये ओपन चाहिए, ओपन। जब तक ओपन नहीं होगी किसी को भी अंदर नहीं जाएगा। ओपन चाहिए, ओपन। चाहे जो मर्जी रेजोल्यूशन डालो, जो मर्जी कागज बनाओ, इनका काम है कागज बनाना, हमारा काम नहीं। हमारे ये अपने सुविधाओं के अनुसार कोई भी रूल बदल सकते हैं। नमस्कार, मैं रोमित सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि क्षेत्रीय संगठन हिमाचल प्रदेश। 17 विधानसभा क्षेत्र जो लगभग बहुत वर्षों से रिजर्व हैं और उनमें कम से कम 8 से 10 विधानसभा ऐसे हैं जो लगातार रिजर्व हैं, जिनमें ये कसौली विधानसभा भी शामिल है। हमारा एक शिमला लोकसभा जो शुरू से लेकर आज तक रिजर्व है, तो कसौली विधानसभा में आज हम लोग हैं। तो मैं बात यहाँ के लोगों को हमने कही है कि अब 2022 से पहले जो आज तक हमारे ये जो कसौली विधानसभा थी इसके ऊपर जो चौकड़ी मार के इतने सालों से बैठे हैं वो विरोध झेलने के लिए तैयार हो जाएं, आक्रोश झेलने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि या तो अब 2022 से पहले इनको ये कसौली विधानसभा सीट के साथ साथ अन्य सीटें भी ओपन करनी पड़ेंगी, वरना आक्रोश झेलने के लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा। और आपके माध्यम से मैं पूरे हिमाचल प्रदेश के जो हमारे आरक्षित सीटों में जो हमारे लोग हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ, सड़कों पर उतर जाओ, विरोध करने के लिए सड़कों पर आ जाओ, सड़कें बंद करनी पड़े, जाम लगाने पड़े, जो मर्जी करना पड़े, लेकिन विरोध होना चाहिए। ये जो इतने सालों से हमारी विधानसभाएं रिजर्व करके बैठे हैं एक वर्ग के लिए, ये विधानसभाएं ओपन होनी चाहिए। और कसौली विधानसभा क्षेत्र में जो इतने सालों से राज कर रहे हैं, भैया आप लोगों का समय खत्म और स्वर्ण समाज के लोगों का समय शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट भेजा पंचायत में आए हैं और जैसे कि अभी 10 तारीख को देवभूमि क्षेत्रीय संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा के द्वारा प्रदेश में बैठे 68 स्वर्ण विरोधी नेताओं के हाथ से हम लोगों ने स्वर्ण आयोग को छीना है, जिसकी बधाई पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के 62 लाख लोगों को है, स्वर्ण समाज के लोगों को है। दूसरा कि हिमाचल प्रदेश में जहां पर स्वर्ण आयोग गठन की मांग को पूरा किया गया है और हमने छीन के लिया है, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को, इन 68 विधायकों को ये बात आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि 3 महीने के 90 दिन के भीतर इस आयोग की मांग को पूरा करना, 1% भी छल कपट करने का प्रयास मत करना, क्योंकि अगर छल कपट करने का प्रयास करेंगे तो 91 दिन देवभूमि क्षेत्र संगठन देवभूमि स्वर्ण मोर्चा लाखों की संख्या में तुम्हारे सामने खड़ा होगा और उसका अंजाम आप लोगों को भुगतने के लिए तैयार रहना।